आज हम धम्मभूमि पलवल आए हुए हैं और यहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा का उत्सव चल रहा है। आज हम धम्मभूमि के कुछ साथियों से चर्चा करेंगे। सर आपका नाम क्या है? मनी कुमार बुद्ध। सर आप धम्मभूमि में कब से जुड़े हुए हैं? मैं 2003 से बंत जी के साथ काम कर रहा हूँ और उस टाइम से लगातार बंत जी के साथ और धम्मभूमि के साथ में लगातार काम कर रहा हूँ। सर आप धम्मभूमि में क्या भूमिका होती है जो आप काम करते हैं? धम्मभूमि में कोई भी भूमिका हो, कोई भी काम हो, मन संचालन का हो और कोई भी काम हो, छोटे से लेकर के बड़ा तक, बंत जी के साथ चलने का हो, गाड़ी चलाने का हो, मैट बिछाने का हो, टेंट को संगवाने का हो, कोई भी काम हो, मूवमेंट के साथ जो भी बंत जी जैसा आदेश करते हैं या धम्मभूमि परिवार का जो भी सदस्य कोई भी आदेश करे उसके साथ में सारा काम निपटाते हैं। सर जो धम्मभूमि का जो सपना है वो क्या है? धम्मभूमि सरदेव बंते जी ने एक टारगेट लिया है कि धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। हमारा कोई भी कार्यक्रम होता है तो उसमें हमारा मेन लोगो है, जैसे आप ऊपर देख रहे हैं, धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। तो श्रेष्ठ जीवन कैसे बनाया जा सकता है, उन विषयों पर धम्म भूमि बारीकी से काम कर रही है। जैसे बिना देश शादियों के कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे ऐसे हमारे टीम के साथी हैं जिन्होंने खुद बिना देश शादियां करके और बौद्ध रीति से किसी भी प्रकार के जो आडंबर हैं, जो परंपराएं हैं, उनको तोड़ करके हम धम्म भूमि के माध्यम से जो कॉन्सेप्ट चला आ रहा है, जो बुद्ध के समय से चला आ रहा है, हम उसके ऊपर तमाम टीम के साथ ही काम करें। और जब भी यहाँ कोई कार्यक्रम होता है तो एक दो शादियाँ आराम से यहाँ अपने आप हो जाती हैं। और महीने के पहले संडे को हम एक कार्यक्रम करते हैं, बंते जी देशना देने के लिए आते हैं। तो जिस भी आदमी को पता चलता है कि भाई आज यहाँ देशना है तो अपने आप ही वो तैयार होकर के यहाँ शादियां कराने के लिए आते हैं। तो एक भी ऐसा विषय नहीं है जैसे बिना देश शादियों का कॉन्सेप्ट है। साथ साथ में जैसे पंचशील को बंते जी लोगों को धारण करा रहे हैं। जैसे यहाँ कार्यक्रम हुआ तो सबसे पहले बंते जी ने पंचशील दिया था कि शील का पालन करते हुए जो हमारे समाज में सबसे ज्यादा गलत परंपराएं आ गई है, जैसे रूढ़िवादिता आ गई है, जैसे हम शील को तोड़ रहे हैं, शराब पी रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनको तोड़ने के लिए बंते जी ने बड़े पैमाने पर काम किया। तो हमारे संपर्क में ऐसे बहुत सारे ऐसे हजारों साथी हैं जो बंते जी के आदेशानुसार देशना पा करके उन्होंने सील को पालन करना शुरू कर दिया, शराब के या जो भी गुटखा है, पान है, बीड़ी, उनको छोड़ दिया। साथ साथ में बंते जी एक कॉन्सेप्ट और लेकर के आए हैं कि हम अपने रोजगार स्थापित करें। बंते जी ने स्वयं ऐसे लोगों को काम करना सिखाया, जैसे बंते जी पहले डॉक्टर रहे हैं तो डॉक्टर के माध्यम से अपने डॉक्टरी उन लोगों को सिखाया कि भाई आप इसमें काम करेंगे तो आप अपना गुजारा कर सकते हैं। इसके अलावा खुद के जो बिजनेस कॉन्सेप्ट हैं उसके ऊपर बंते जी काम करें। जैसे आज की देशना में बंते जी ने आगरा का एक प्लान किया था कि अभी जो हमारे नौजवान हैं जो रोजगार करना चाहते हैं, हमारे पास ऐसे हजारों नौजवान हैं जो बेरोजगार घूम रहे हैं, तो हम उनको एक तरीका दे करके कि भाई आप ये बता दें, हमारे पास इस तरह के रोजगार के कॉन्सेप्ट हैं कि आप किस विषय पर काम कर सकते हैं, तो उसमें बहुत सारे नौजवान खुद उसमें काम करें। मैं स्वयं बंते जी के आदेश अनुसार मैंने भी खुद अपने रोजगार बंते जी के माध्यम से लगाए, बंते जी मुझे तरीका बताया, मैं खुद अपना रोजगार कर रहा हूँ। तो इस तरह बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि हमारा एक टाइटल है कि धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए एक आंदोलन। कि श्रेष्ठ जीवन कैसे बनाया जा सकता है? श्रेष्ठ जीवन तभी बनेगा जब आपके खुद के रोजगार होंगे। हम तमाम हमारे जितने भी साथी हैं नौकरी पेशा, नौकरियों में लगे हुए हैं और दाएं बाएं वो भटक रहे हैं। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम आशु विनीत कुमार है जी। आप कहाँ से आए? मैं पलवल से हूँ। सर आप धम्मभूमि में कब से जुड़े हैं? मुझे 2 या 3 साल हो गए हैं और पूर्ण रूप से तो मैं अभी पिछले जो धमकारवा निकला था तभी से धम्मभूमि के लिए कार्य कर रहा हूँ। और जैसा कि हमारे डॉक्टर साहब डॉक्टर करुणाल सिंह राहुल जी बंते जी जो एक सपना लेकर चल रहे हैं भारत को बौद्ध में बनाने के लिए, उनके सपने को साकार करने के लिए हम सभी युवा साथी यहाँ धम्मभूमि के कार्य को आगे बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं। आपका नाम क्या है? मेरा नाम धमवर्धन है। मैं बंते जी से 96 से जुड़ा हुआ हूँ, बंते जी के साथ काम कर रहा हूँ धम्मभूमि के लिए। जो भंते जी भारत को बौद्ध में बनाने की परिसंकल्पना जो बाबा साहब की थी उसको पूरा करने के लिए भंते जी पूरे भारत में ये काम कर रहे हैं। उनके आदेशानुसार जो काम हमें देते हैं वही काम हम उनके अनुसार ही धम्मभूमि को भारत में बौद्ध बनाने का करते हैं। सर धम्मभूमि का जो कार्य है कितने राज्यों में चल रहा है? 22 राज्यों में चल रहा है। सर आप कहाँ से आए? सर मैं राजस्थान से हूँ।
और मैं धम्मभूमि टीम के साथ 2012 से जुड़ा हुआ हूँ। श्रद्धे बनते डॉक्टर करुणाशील राहुल जी की जो बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना है उसका पूरा करने के लिए हम धम्मभूमि की टीम के तहत काम करते हैं, और उसमें जो अपना संविधान बनता है चाहे तन मन धन किसी भी रूप में हो, जहाँ बंते जी का आदेश होता है वहीं हम काम करने के लिए तैयार हो गए। सर आपका नाम क्या है? मेरा नाम जयसिंह बौद्ध है, मैं गांव भगवानपुर फैजाबाद से हूँ और मैं 10 साल से जुड़ा हूँ 2008 से। और हमारा मेन उद्देश्य है भारत देश को बौद्ध में बनाना और इस देश में जो शासन और सत्ता पे काबिज होना। और साथियों से हम सवाल करेंगे, आपका नाम क्या सर? मेरा नाम रवि दत्त है, मनानो मैं 10 साल से इस 10 साल से धम्मभूमि का जो आंदोलन है, ये धम्मभूमि किस आंदोलन को लेकर आगे चल रही है? भारत को बौद्ध में बनाने की थी। आपका नाम क्या सर? जितेंद्र। आप कहाँ से हो? लाइन ब्रह्मी से। सर आप धम्मभूमि से कब से जुड़े हैं? हो गया 2-3 महीने अभी जुड़ा हुआ है। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम तुलीराम बौद्ध है जी। आप सर कहाँ से आए? मैं फरीदाबाद हरियाणा नरियाला गांव है अपना। सर आप धम्मभूमि से कब से जुड़े हुए हैं? जिस दिन धम्मभूमि की नींव रखी गई थी तो उस दिन हम अपने गांव से 2 ट्रैक्टर भर के, और उस टाइम मुझे याद है कि मैं यहाँ अकाउंट सेशन पर जो है टेबल पर बैठा हुआ था, और 1700 रुपये उस टाइम हमने अपने गाँव की तरफ से भी कलेक्शन करके दिया था। तो हम तभी से शुरू से ही इस भूमि से धम्मभूमि से जुड़े हुए हैं। आप धम्मभूमि में जो आपकी भूमिका होती है वो क्या रहती है? हमारी भूमिका तो ये है, हम तो भंते जी के जो है एक तरह से प्रोसेसर वर हैं। जो भंते जी जो आदेश देते हैं वो पूरा धम्म का जो पठन करके, जो भगवान बुद्ध के तथागत बुद्ध के जो आदेश हैं, जो उनके लिखे हुए और बताए हुए जो लेख हैं उनको जो है वो हम तक पहुँचाते हैं, और हम इनको जनता तक पहुँचाने का काम करते हैं। तो एक जैसे कहते हैं कि पोस्टमैन, हम तो डाकिये हैं। ये हम जब डाकिये की एक बहुत बड़ी अहम भूमिका होती है। सपोज करो कि आपकी नौकरी कहीं लगनी है और वो आपका कॉल लेटर आया है, वो डाकिया वो जो लेटर आपके पास तक नहीं पहुंचे तो आपकी लाइफ रुइन हो जाएगी, बर्बाद हो जाएगी। इसलिए उस डाकिये की अहम रोल होता है। तो हमारे भंते जी तो हमारे हेड हैं, हम उनके उनको जो है ढाकिया के रूप में हम जनता तक जो उनको जो प्रोसेस करते हैं, ये हमारा काम है। आपका नाम क्या सर? सर मेरा नाम घनश्याम रोहिला है। आप कहाँ से आए? मैं पलवल से आया हूँ। सर आप धमकार माँ जो यहाँ पे होता है, आप कितने साल से आ रहे हो यहाँ पे? सर मैं 2006 से आ रहा हूँ। आप धम्मभूमि में क्या भूमिका निभाते हो? धम्मभूमि में किसी की कोई अहम भूमिका नहीं होती, सबका एक ही कार्य होता है कि हमें किसी तरीके से बौद्ध में भारत बनाना है। बंते जी की जो परिसंकल्पना है बौद्ध में भारत हो, उसको वो जो लेके चल रहे हैं, उसके लिए किसी भी कार्यकर्ता को किसी लेवल का काम करना पड़ता है। जैसे मैट बिछाने से लेके हमें टेंट लगाने तक का सारा काम हमारा है, हमारा कोई काम डिफाइन नहीं है, हम वही काम करेंगे जो हमारा बंते जी हमें देंगे। टीम वर्क है, टीम वर्क है। आपका नाम क्या सर? मैं राजेंद्र सिंह बौद्ध, पलवल से। मैं पलवल से। आप धम्मभूमि से कब से जुड़े हुए सर? जब से धम्मभूमि की नींव रखी हुई है तभी से हम बंते जी के साथ। सर आप धम्मभूमि में क्या भूमिका निभाते हैं? जो बंते जी आदेश देते हैं उनके आदेशों का पालन करते हैं, चाहे धम्म प्रचार करने का हो, कार्यक्रम की तैयारी करने का हो, कार्यक्रम में जो भी काम कर रहे हैं या बिना कार्यक्रम के भी जो बंते जी निर्देश देते हैं उनके निर्देशों का पालन करते हैं, यही हमारा काम है। आपका नाम क्या सर? मेरा नाम उमेश चंद्र गौतम जी। आप कहाँ से आए हैं? हम आए हैं फरीदाबाद से, सूर्या बिहार फरीदाबाद से। कितने सालों से आ रहे हैं आप यहाँ पे? हम यहाँ पे 4 साल से आ रहे हैं। 4 साल से जी। आप धम्मभूमि में कब से जुड़े हुए हैं? हमें कई दिनों से, लगभग 15 साल हो गए अभी इसी में जुड़ा हुआ हूँ मैं, और इसी के आधार पर मैं भी जो अपने घर में भी अपने बच्चों में भी जो भंते जी उपदेश देते हैं उसी के हिसाब से हम आगे हम काम काज करते हैं। चाहे कोई सा भी संस्कार हो मेरे घर में तो बौद्ध रीति रिवाज से करते हैं, और जो भंते जी का आदेश होता है, जो हमारे जो और आस पास के जैसे बड़े बड़े हुए लीडर हैं, जैसे बड़े बड़े हुए प्रचारक हैं, उपासक हैं, उनके माध्यम से उनसे सुन सुन करके हम मीटिंगें छोटी छोटी जोड़ते हैं, उनको बुलाते हैं ताकि और लोगों को जोड़ते, जितना जोर जोर से भर सके हमारा धम्म का प्रचार प्रसार जितना फैल सके। जो बाबा साहब ने
जो सपना था बाबा साहब का 21वीं सदी हमारी हो, तो वो बाबा साहब का सपना मैं अपनी आँखों से बाबा साहब को दिखाना चाहता हूँ। देखिए बाबा साहब, हम आपके बेटे हैं और ये धम्म कारवा को आगे ले जा रहे हैं बाबा साहब के माध्यम से। तो ये हमारी